आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड देखो आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो अभी तक लड़की से बात नहीं कर पाते, लड़की को लाइन नहीं मार पाते, इतना ही नहीं लड़की के पास वो खड़े भी नहीं रह पाते। और तो और भाई मेरे, अगर कोई आपका भी क्रश है एंड अगर आप उसे नहीं पटा पा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए, पट जाएगी लड़की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वो लड़की आप ही की गर्लफ्रेंड बनेगी अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच किया तो। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने का फायदा और भी है फ्रेंड, कि आगे चल के आप कभी भी किसी लड़की को लाइन मारने में धोखा नहीं खाओगे। एंड अगर आपकी गर्लफ्रेंड है देन आप उसको ये समझा पाओगे कि किस तरीके से प्यार जताया जाता है। और एक फायदा मेरे दोस्तों, जी हाँ आपने सही सुना, और एक फायदा, इस फायदे में आपको ये होगा कि आप हर किसी लड़की के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बना लोगे। एंड इतना ही नहीं, उसे अपने बातों से, बॉडी लैंग्वेज से, अपने लुक से ही अट्रैक्ट कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये सारे सवाल के जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, दिल से रिक्वेस्ट यार एंड तक वॉच करिएगा, और अगर नहीं कर सकते तो भाई मेरा भी स्किप कर दो, वरना आप भाई नीचे जाके कुछ उल्टा सीधी बात कमेंट में लिख दोगे कि भाई मुझसे लड़की नहीं पटेगी, कि भाई आप तो पूरी बात सुनते ही नहीं हो ना यार, इसलिए भाई मेरे पूरी बात जरूर सुनना। और दोस्तों जैसा कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मेरे कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, फिर कौन सा क्या यूज़ करना चाहिए था वगैरह वगैरह, तो आप फ्रेंड उस चीज़ के मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाओ उसे साइन अप कर लीजिए। आप समझ सकते हो अपने लुक को डेवलप करना हो या फेस को, उसके लिए आप लिंक पर क्लिक करके वो चीज़ अपने लिए आप लेके सकते हैं। और फ्रेंड उसका एक फ़ायदा और है कि वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से सूट कर जाएगा। यार बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करेंगे फ्रेंड नंबर 1 पॉइंट से। फ्रेंड देखिए, अगर आपको किसी लड़की से बात करने में डर लगता है, इतने अगर लाइन मारने से डर लगता है, तो आप एक काम करिए, आप अपने लुक को बेटर करके रखिए कि अगर लड़की आपको देखती है तो दोबारा पलट के देखना चाहेगी। क्योंकि देखो फ्रेंड 99% केसों में ऐसा होता है कि अगर हम किसी लड़की को लाइन मारने जाते हैं देन अगर बदले में भाव नहीं देती, रिस्पॉन्स नहीं देती, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसके चलते हम उसके पास ना ही बात करने जाते हैं, ना ही उससे कुछ कहने जाते हैं, और जो हमारी कहानी बनी होती है वो भी बेकार हो जाती है। तो फ्रेंड पॉइंट नंबर 1 यही होगा मेरा, किसी भी लड़की को लाइन मारने से पहले आप अपने लुक को डेवलप कर लीजिए। अब फ्रेंड आप बोलते हो कि यार मेरे को अपना लुक डेवलप करना नहीं आता, तो फ्रेंड उसके लिए मेरा सेकंड चैनल, आप उसको साइन अप कर सकते हो। एंड इतना ही नहीं, अगर और अपना बेटर लुक बनाना चाहते हो मात्र चंद रुपए खर्चा करके, 100 से 200 रुपए, तो नीचे लिंक मैंने डाल दिया है, आप जाइए उसे साइन अप करिए और उससे पता कर सकते हो आप कि कैसे अपने लुक को डेवलप कर सकते हो। चलो यार आधी प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो गई, अब आधी बात आती है इस पे कि हम लड़की को लाइन नहीं मार पाते। तो भाई मेरे, लड़की को लाइन मारना कोई उतनी मुश्किल भी चीज़ नहीं है। आपको लड़की को 3 से 4 सेकंड देखना होता है, अपने चेहरों पर प्यारी से स्माइल रखनी होती। देखो फ्रेंड, अगर चेहरे पर स्माइल होगी तो लड़की कुछ गलत नहीं सोचेगी, वरना देखो फ्रेंड आप भी जानते हो कि आजकल की लड़की की सोच ये होती है, अगर कोई उनको लड़का देखता है तो उनको ऐसा लगता है कि वो मुझे ताड़ रहा है, वो मुझे गंदी निगाहों से देख रहा है, इसके चलते वो उसे भाव नहीं देती। बट अगर लेकिन यही दूसरी ओर अगर कोई उसको स्माइल दे के देख रहा हो तो लड़की को पॉजिटिव एनर्जी का अब्सॉर्ब कर रहे, इसके चलते उसको लगता है कि शायद ये मेरे को देखकर खुशी हुआ हो, शायद मैं उसको अच्छी लगी हूँ, शायद इसीलिए मेरे को देखकर वो हंस रहा हो, तो बदले में वो भी आपको लाइन देगी, वो भी आपको देखेगी। पर फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यू नहीं देखना है, आपको 2 से 3 सेकंड का गैप लेना है, फिर देखना है, फिर गैप लेना है, फिर देखना है। इससे आप उस लड़की को ये श्योर करवा दोगे कि आप उसी को देख रहे हो एंड इतने नहीं, आप उसमें इंटरेस्टेड हो। अब लड़की इंटरेस्टेड होगी तो वो भी आपको देखेगी, तो आधी बात तो आपकी यहाँ भी खत्म हो गई। अब फ्रेंड इस टिप को फॉलो करने के बाद लड़की आपको 100% लाइन देगी। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसे सुना, इस टिप को फॉलो करने के बाद लड़की आपको 100% लाइन देगी। देखो यार 99-90% केसों में ऐसा होता है, एक तरह से कहा जाए तो 100% केसों में ऐसा होता है फ्रेंड, कि जब कोई लड़की आपको देखती है उसके बाद आप नर्वस हो जाते हो, जो कि फ्रेंड देखो ये बहुत ही बैड हैबिट की तरह से देखा जाता है। लड़की को ऐसा लगता है कि लड़का शायद मुझसे प्रैंक कर रहा है, इतने लड़का मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस अपना टाइम पास कर रहा है, जिसके चलते लड़की आपको लाइन नहीं देती। भाई मेरे, जी हाँ दोस्तों, लड़की आपको लाइन नहीं देती है, तो आप ऐसी गलती मत करिए यार। अगर कोई लड़की आपको दिख रही है तो अपने दिल के अंदर कॉन्फिडेंट रखिए कि भाई मेरे, अगर आज बात नहीं किया, अगर आज लाइन इसको सही प्रॉपरली नहीं मारा तो अगला टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो फ्रेंड, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता यार, जब मिले मौका उसी टाइम मारना चाहिए चौका। आप वेट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। फ्रेंड ये चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए, जब आप लाइन दे रहे हो कॉन्फिडेंट से, अगर आपको लगे कहानी बनने लगी है तो आप नर्वस नहीं हो सकते हो। क्योंकि लड़की के सामने अगर ये इंप्रेशन पड़ता है कि आप शर्मिले टाइप के हो तो आगे चल के आप उसके लिए कुछ भी नहीं करने वाले हो। तो ये चीज़ भी फ्रेंड मेरे अपने माइंड में, दिमाग में डाल लीजिए कि आप आपको अगर बनना है स्ट्रॉन्ग, अगर लानी है अपने पास भी गर्लफ्रेंड, लड़की को करना है इम्प्रेस, तो फ्रेंड ये चीज़ आपके अंदर होना ही चाहिए, कभी आप शर्माए ना।
तीसरी चीज आती है फ्रेंड कि किसी भी लड़की के सामने अगर आप बात कर रहे हो तो थोड़ा सी बातों में रिस्पेक्ट रखिए। फर्स्ट मीटिंग में ही इतनी ज़्यादा फ्रैंक मत हो जाइए कि लड़की को लगे कि आप चिपकू टाइप के बंदे हो। देखो फ्रेंड, लड़की को एक तरह से कहा जाए तो 85% लड़की को चिपकू टाइप के लड़के पसंद नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि जो चिपकू टाइप का लड़का होता है उनकी ना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड ना ही खुद की रिस्पेक्ट। तो फ्रेंड ये चीज़ तो आप उसके सामने बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि देखिए यार लड़की को लाइन मारने में सबसे बड़ा किरदार यही निभाता है कि आप उसको ये जताते हो कि आप चिपकू टाइप के नहीं हो, आप फेंकते नहीं हो, आप जो बोलते हो सच बोलते हो। और एक बात मेरे भाइयों, जी हाँ दोस्तों, और एक बात, अगर आप सोचते हो ऐसा कि सिर्फ लड़की को लाइन ही मार सकते के अगर आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे, तो फ्रेंड ये एक भ्रम है, ये एक धोखा है जिसमें आप जी रहे हो यार। आसान सी भाषा में कहा जाए तो कोई भी लड़की बिना बात किए नहीं सेट होती। भाई मेरे, अगर आप भी चाहते हो अपने पास अपनी खुद की गर्लफ्रेंड लाना तो बात ज़रूर करना, क्योंकि देखो यार कम से कम ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना कि एक आप ही हो उस लड़की को लाइन मारने वाले। पूरे दिन में उसे नहीं भी तो नहीं 80% लड़के उसको लाइन मारते ही होंगे, बट उसमें से बात कोई हर कोई नहीं करता है। और जहाँ तक बात रही आपकी, अगर आपको लड़की से बात करने में फट रही है तो देखिए मेरे भाई, अगर आप उससे लाइन मार रहे हो और वो भी आपको आई कॉन्टैक्ट कर रही है, वो भी आपको देखकर स्माइल दे रही है, आसान से भाषा में कहा जाए तो वो भी आपको लाइन दे रही है, तो वो साफ साफ जता रही है कि मैं आप में अभी इंटरेस्टेड हूँ, कुछ दिन लाइन दूंगी। अगर आप भी बात नहीं किए तो मुझे ऐसा लगेगा कि शर्मीले टाइप के लड़के हो एंड आप थोड़े फुद्दू टाइप के भी हो, तो वो लड़की लाइन देना बंद कर जाएगी। और भाई मेरा, आप मुझे कमेंट करोगे कि लड़की अब तो मुझे लाइन ही नहीं देती, लड़की तो भाव खाती है। तो भाई मेरे, आप यही करो इस केस में कि जल्दी से जल्दी एक अच्छा से मुहूर्त निकालो और जाओ उससे बात करने। मुहूर्त निकालने का मेरा मतलब यह है फ्रेंड कि जब एक अच्छा मौका मिले तब जाके उससे बात करो, ऑटोमेटिक लड़की को फ्रेंड आप पटा लोगे। तो ये था दोस्तों लड़की को लाइन मारने से लेके अपने लुक, और लुक से लेके लड़की से बात कैसे करें, बात से लेकर लड़की को पटाए कैसे, ये चार रास्ता मैंने आपको तय करवाया है फ्रेंड। आई होप आपको ये रास्ता पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड हमें इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो उतारने का मन भी करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार नाइस लिखिएगा या फिर मस्त या कुछ भी मन करे लिख ही देना यार। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दबाइए नोटिफिकेशन बेल को, जैसे कि मैंने बताया आपको लिंक नीचे डाल दिया मैंने, साइनअप करिए तो प्लीज़ सर से साइनअप कर लेना ना यार। चलिए, आपने इतना कीमती बुक दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलने के लिए बात प्यार इसी वीडियो के लिए, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।